एंड वेलकम इन आशीष किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू, जिसके लिए हमें चाहिए बेसन जो 2 कटोरी है, 1 कटोरी पाउडर्ड शुगर, घी, देसी घी, ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा इलायची पाउडर। सबसे पहले पैन में हम घी लेंगे। घी के गर्म होने पर इसमें हम बेसन डालेंगे। घी के गर्म होने पर इसमें हम बेसन डालेंगे। अगर आप इसमें सूजी मिलाना चाहते हैं तो आप 1/2 कटोरी सूजी भी मिला सकते हैं। और अब इसको हमने घी में अच्छी तरह रोस्ट करना है और इसको जब तक रोस्ट करना जब तक ये बेसन जो है घी छोड़ना ना शुरू कर दे। ये देखिए बेसन या घी छोड़ना शुरू कर दिया और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम पिसी हुई शुगर मिलाएंगे। साथ थोड़ा सा इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर इस दौरान आपको लगता है कि इसमें घी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह मिलाना है। इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद हम थोड़ी सी पानी की छींटे मारेंगे, जिससे हमारे लड्डू है जो थोड़े दानेदार से बनते हैं। सिर्फ छींटे ही मारनी है, ज्यादा पानी नहीं डालना। और छींटे मारने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हमारे बेसन के लड्डू का मिक्सचर तैयार है। अब इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके फिर इसके लड्डू बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेसन बहुत गर्म होते हैं, इससे आपके हाथ जल सकते हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने पर इसके हम लड्डू बनाएंगे। अब हम इसके ये ठंडा होने पर इसके लड्डू बनाने शुरू करेंगे। हाथ पे थोड़ा सा घी लगा के बेसन के लड्डू तैयार।